हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने दिया है उसके सोल्यूशन की। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सेक्शन जो है ए को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर चार क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो लास्ट क्वेश्चन है वो चॉइस के साथ आया है। ठीक है, और ये वन मार्कर है, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, इफ ए एंड बी आर द इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, यानी कि ए और बी कुछ ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका इन्वर्स किया जा सकता है ऑफ ऑर्डर थ्री, और उनका जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, थ्री का रहेगा। तो मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट दिया है वो टू दिया है, और ये कहा गया है कि ए बी के इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट दिया है वो वन बाय माइनस वन बाय सिक्स दिया है, और आपको डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स बी का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास दो डेटा गिवन है, एक तो ये गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो टू है, और दूसरा डेटा ये गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स जो है वो माइनस वन बाय सिक्स है। अच्छा, ए बी के इनवर्स का डिटरमिनेंट माइनस वन बाय सिक्स है, तो ए बी के इनवर्स के डिटरमिनेंट को मैं लिख सकता हूं वन बाय ए बी के इनवर्स का डिटरमिनेंट, माफ कीजिएगा, वन बाय ए बी, ठीक है, वन बाय ए बी का डिटरमिनेंट, और ये कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय सिक्स। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट बराबर होगा उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स की मल्टीप्लीकेशन के। तो हम यहां पर वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये बराबर होगा माइनस वन बाय सिक्स के। ठीक है, अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, टू है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे टू, तो ये हो जाएगा वन बाय टू टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वन बाय सिक्स। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ बी इधर चला जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा माइनस सिक्स बाय टू, तो ये माइनस थ्री, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री आ जाएगी। ठीक है, वन मार्कर है, जल्दी से जल्दी आपको इसे निपटाना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमें पता था टू है। अच्छा, ए और बी मैट्रिसेस के इनवर्स का डिटरमिनेंट था माइनस वन बाय सिक्स, तो ए बी के इनवर्स का डिटरमिनेंट को मैं लिख सकता हूं वन बाय ए बी का डिटरमिनेंट, वो कितना था, माइनस वन बाय सिक्स। अच्छा, ए बी का डिटरमिनेंट लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, वो बराबर था माइनस वन बाय सिक्स के, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी टू, तो यहां से डिटरमिनेंट बी सॉल्व करेगा और वो निकल के आया मेरा माइनस थ्री। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो ये है कि डिफरेंशिएट कर दीजिए साइन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर लिखा हुआ है डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी, और यहां भी ये कुछ ऐसी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, और उसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी। तो अगर मैं इसे यू मान लूं और इसे मैं वी मान लूं, और मानने के बाद अगर मैं डी यू बाई डी वी निकाल दूं, तो वो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ यू यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू वी यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हमारा मकसद रह गया डी यू बाई डी वी निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले यू क्या है, अभी हम देखते हैं, यू जो है वो है साइन स्क्वायर और इसके अंदर एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर चीज को मैं लिख सकता हूं साइन चीज का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर चीज को मैं लिख सकता हूं साइन चीज का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पर वी जो है वो सिर्फ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब निकालना मुझे डी यू बाई डी वी है, लेकिन मैंने यहां देखा कि यू भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वी भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो मैं u को डिफरेंशिएट तो करूंगा लेकिन डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू v नहीं कर सकता, मुझे u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले विद रिस्पेक्ट टू x, और v को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर उन्हें डिवाइड करूंगा और फिर मेरा du by dv आ जाएगा। कैसे, पहले निकालना पड़ेगा du by dx, फिर डिवाइड करना पड़ेगा dv by dx से,
डी यू बाई डी एक्स इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पर u जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं। ये है चीज की पावर n, चीज की पावर n, और चीज की पावर n का डेरिवेटिव होता है n, वो चीज की पावर n माइनस वन, और इसकी पावर वन तो वन रहेगा। ठीक है, इनटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, मैंने क्या कहा, चीज की पावर n का डेरिवेटिव n, वो चीज की पावर n माइनस वन इनटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव। अंदर की चीज क्या है, साइन चीज, और साइन चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस चीज, इनटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय किससे, डीवी बाई डी एक्स। अच्छा, डीवी बाई डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो या तो आप आंसर लिख दीजिएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, नहीं तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, 2 साइन चीज कॉस चीज क्या होता है, साइन 2 चीज, भाई साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा, तो ये हो जाएगा साइन के अंदर 2x स्क्वायर, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर की बात कर रहा है, देखते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब है कि आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस ऑर्डर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब कोई कहे सर ये है हाईएस्ट, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3 है। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये तो 1 ही है यहां पर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसकी पावर कितनी है 1, तो ये जो 3 है ना ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये डीवाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3 है। तो इधर देखा तो हाईएस्ट ऑर्डर 1 मिला, इधर देखा तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 मिला, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं 2। ठीक है, मार्क्स आपको मिलेंगे। अच्छा, डिग्री इसमें हम निकाल नहीं सकते क्योंकि पॉलिनोमियल की फॉर्म में हम लिख नहीं पाएंगे। खैर, अभी बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एक्यूट एंगल विच द लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस, ये दिया हुआ था 1/√3, 1/√6 और n मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब l हमें दिया हुआ है 1/√3, m दिया हुआ है 1/√6 और n जो दिया हुआ है वो हमें n ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और हम ये जानते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होगा, तो 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3, 1/√6 का स्क्वायर यानी 1/6 प्लस n स्क्वायर बराबर होगा 1 के। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस n स्क्वायर बराबर होगा 1 के, यानी n स्क्वायर बराबर होगा 1/2 के, और n बराबर होगा प्लस माइनस 1/√2 के, और हमसे ये कहा गया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, यानी कि हम नेगेटिव नहीं सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, और n जो होता है वो होता है हमारा कॉस गामा, कॉस गामा बराबर हो जाएगा 1/√2 के, तो यहां से गामा आ जाएगा 45 डिग्री, या आप लिख सकते हैं π/4। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, यहां पर हमें डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए थे और ये कहा गया था कि वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमें कॉस गामा निकालना था। ठीक है, तो L पता था, M पता था, N पता था, और ये हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। वैल्यूज पुट की, N की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2, पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए आपने प्लस का लिया, तो N प्लस का आ गया 1/√2, N है कॉस गामा, और कॉस गामा 1/√2, तो गामा आ जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी ये विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, π/4 या 45 डिग्री। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन का। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन हमें दी हुई है और उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की बात की है। ये लाइन है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस y, अच्छा माइनस y को y बाय माइनस 1 लिख सकते हैं, ये है z प्लस 1/2,
तो ये जो नीचे मिलेंगे ए बी सी, ये जो ए बी सी मिलेंगे ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे हमारे। तो इसे हम ए नाम दे सकते हैं, इसे हम बी नाम दे सकते हैं, और इसे नाम दे सकते हैं हम सी। अच्छा, आपको डायरेक्शन कोसाइन से निकालना है, यानी कि आपको एल एम एन निकालना है। तो जब आपको ए बी सी पता हो तो आप एल एम एन आसानी से निकाल सकते हैं। एल हो जाएगा प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम हो जाएगा प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही आपका एन हो जाएगा प्लस माइनस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर कितना है 4, बी स्क्वायर कितना 1, सी स्क्वायर कितना 4, 4 1 4 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3। यानी कि डिनोमिनेटर में एल एम और एन तीनों में कितना आना है 3 आना है। अच्छा, ऊपर क्या आना है प्लस माइनस ए, तो एक बार आएगा प्लस का 2 और एक बार आएगा माइनस का 2। अच्छा, यहां पर आना है प्लस माइनस, ये खुद से माइनस है, तो जब प्लस आएगा तो ये आ जाएगा -1, और जब माइनस आएगा तो ये हो जाएगा +1/3। अच्छा, ये प्लस का सी है, सी कितना दिया हुआ है 2, तो ये आ जाएगा 2/3 और एक बार -2/3। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक लाइन की इक्वेशन हमें दी थी और ये कहा था कि उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दीजिए। ठीक है, तो उस लाइन में हमने देखा कि हमें डायरेक्शन रेशियोज तो पता है, और अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना बेहद आसान है। तो डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाल लिए ए बी और सी, वो हमें यहां से मिल जाएंगे। अच्छा, अगर ए बी सी पता है यानी डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना बेहद आसान है। एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, प्लस माइनस ए बाय प्लस माइनस बी बाय और प्लस माइनस सी बाय। हमने वैल्यूज पुट की तो एक बार हमें मिला दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, और एक बार मिला -2/3 +1/3 और -2/3। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सेक्शन बी की, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए।